नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गौरक्षा दल के रहस्य महम चौबीसी के चबूतरे पर इकट्ठा हुए गौरक्षा दल के सदस्यों और युवाओं ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर पैदल यात्रा का शुभारंभ किया। ये पैदल यात्रा महम चौबीसी चबूतरे से शुरू होकर पीएम हाउस तक जाएगी। इसमें गौरक्षा दल के सदस्य रमेश उर्फ मेशा ने अपने खून से पत्र लिखा। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने और गौ हत्या बंद करवाने और गौ तस्करी पर रोक लगाने के साथ साथ गौचरण भूमि को खाली कराने को लेकर अपने खून से पत्र लिखा। इसको लेकर पैदल यात्रा निकाली गई। ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। पैदल यात्रा में हरियाणा के कोने कोने से गौ भक्तों ने भाग लिया। गौ भक्त रमेश तीसर ने बताया कि आज के दिन गौ माता की जो दुर्गति हो रही है और प्रदेश में गौ तस्करी हो रही है, ये चिंताजनक है। गौ माता की रक्षा के लिए पैदल यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और हरियाणा सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द गौ माता की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाया जाए। गौ रक्षक रमेश सीसर ने बताया कि यात्रा का पहला पड़ाव रोहतक में होगा और दूसरा पड़ाव सांपला गौशाला में होगा। जगह जगह गौ भक्तों की ओर से जलपान का आयोजन किया जाएगा। रमेश तीसर ने बताया कि हमारी गौ रक्षा दल की टीम क्षेत्र में रात के समय गौ तस्करी रोकने के लिए हर वक्त कार्य में लगी रहती है और क्षेत्र में हमारा गौवंश घूम रहे हैं। उनके लिए सरकार, नगर निगम और गौशालाओं से प्रार्थना है कि उनकी सेवा के लिए उचित कदम उठाएं। ये गौ माता की रक्षा के लिए किया गया है। भारत में गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दिलाने के लिए हमने ये किया गया। गोचर भूमि खाली करो, गो हत्या मुक्त भारत देश को बनाओ, इस बारे में आह्वान किया गया है। पूरे हरियाणा से हमारे गौ भक्त इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे पूरे हरियाणा गौशाला संघ के प्रधान जी जगदीश मलिक जी, जय वीर आर्य जी, आजाद आर्य जी, सारे हरियाणा के गौ भक्त आए हुए हैं। चबूतरा क्यों चुना गया था? ये बस चौबीसी का ऐतिहासिक चबूतरा है, इसलिए हमारे बड़े बूढ़े भी हमें पहले जो शहीदों के नाम की जोत भी जलाई है, जो जगह के फिर हवन किया, फिर बाद में भी चला। पड़ाव रहेगा यात्रा का? यहाँ से पहला पड़ाव है डॉक्टर साहब के उपचार केंद्र हैं जो रोहतक में, रोहतक में दूसरा है सापला में, तीसरा बहादुरगढ़, चौथा दिल्ली। यात्रा का मेन मकसद क्या है? यात्रा का मेन मकसद है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, गौ हत्या बंद करो और गोचर भूमि खाली करो। आप मैम एरिया में गौ सेवा के लिए आप क्या कर रहे हैं स्पेशल? पूरे मैम एरिया में हम गौ सेवा के लिए जो रात को तो जो गौ हत्थों में जाती है तस्करी को रोकते हैं, पूरी टीम है हमारी और पूरे हमारे जो आचार्य जी डॉक्टर साहब गौ तस्करी के अलावा और गौ तस्करी हम पूरे मैम इलाके में जो मैम टीम है पूरे मैम चौबीसी के इलाके में एक्सीडेंटल और बीमार केसों की निःशुल्क देखभाल करती है। इससे अलावा जो भी है चारे की व्यवस्था है और कुछ जो डॉक्टरी इलाज है फ्री करते हैं। आवारा पशुओं के लिए जो एक्सीडेंटल आवारा है उनको तो डॉक्टर साहब की गौशाला में रोकते हैं, ठीक है, और आवारा जो पशु हैं उनकी देखभाल करते हैं। जो हमारे पास नगर निगम की ओर से और गौशाला की ओर से आवारा पशु ऐसे ही घूमते हैं, उसका कोई सहयोग नहीं मिल रहा। वो सहयोग जो चंदा लेते हैं उनको करना चाहिए, नगर निगम जो ग्रांट पास होते हैं उनको करना चाहिए। क्या आपका गौ सेवा दल ऐसा नहीं जो रोड पर आवारा घूम रहे हैं उनको गौशाला में छोड़ दिया जाए? नहीं, गौ सेवा दल का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो किसी से पर्ची लेता हो, चंदा लेता हो, बगैर चंदे के बगैर पर्ची के। हमारे से जैसी सेवा हो रही है हम वैसी सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा का सबसे बड़ा एक और भी है जो दुर्गति हो रही है, आप यहाँ चबूतरे पकड़े, चबूतरे के राइट भी लेफ्ट साइड भी दोनों साइड में रोड पे 10-10 पशु घूम रहे हैं। हाँ, दस वो तो कारण इसका? वो सरकार का काम है और जो नगर निगम है उसका काम है और जो गौशाला वाले हैं जो पूरी चौबीसिया चंदा लेते हैं उनका काम है। आप मजबूर क्यों नहीं करें उन लोगों को? वो इनको आप जैसे साथ देगा तो हम मजबूर करेंगे, ठीक है। साथ दोगे तभी तो हम मजबूर करेंगे, हमारे जनता साथ होगी तभी तो। हम तो हमारा ना पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग मिल रहा। आप चोर चोर है निकलोगे ना? हाँ जी, चोर चोर है। यहाँ आने से पहले हमारे साथ यह जवाब किया गया, गौ माता को बचाने के लिए वहाँ जा रहे हो, इनका तो इलाज करो, तो यहाँ इन ये घूम रही इनको पकड़ो। तो हम ये सरकार से आग्रह करते हैं, सरकार से निवेदन है वो हमारा साथ दे। हमारा अगर निवेदन नहीं माना तो गौरक्षा दल का पूरा जो हरियाणा का पूरे भारत का गौरक्षा दल वो एकजुट होके सरकार के साथ हड़ताल भी करेगा और सरकार से निवेदन भी करेगा कि जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं उनको नगर निगम को ठेके दिए जाएं। अभी भी नगर निगम को पहले भी 20 लाख का ठेका। महम से हमारे संवाददाता सोहन फरमाना की रिपोर्ट।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।